वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में एक युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या, स्वयं आत्महत्या करने की हृदय विदारक घटना पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूं। राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की पूर्ण सहायता की जाएगी। उन्होंने मृतक परिवार को 10 लाख रुपए और घायल बाल देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपातिया उइके छिंदवाड़ा पहुंची और उन्होंने घटनास्थल ग्राम बोदल कछार पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। मंत्री उइके ने प्रभावित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। बोदल कछार में यहाँ पे जो मृतक परिवार है उनकी घर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ जैसे दुख सहने की उनको क्षमता दे और मृतक आत्मा को शांति दे। और अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10,000 रुपया दिए हैं और 50,000 रुपया उनकी दोनों बहनों को और जो घायल है जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम लोग 50,000 दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार रुपया देने की घोषणा, जो इलाज के अलावा 5 लाख रुपया और वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा उसको 5 लाख रुपया देने की घोषणा यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ही मैं यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं उपस्थित हुई हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग जाकर के मौका स्थल पे होते ही मैं बहुत दिल दहला देने वाली है। कहा है कि उच्च स्तरीय इसका जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी। बाकी ये समझ में आ रहा है कि लड़का विक्षिप्त था, सभी लोग वहाँ गाँव वाले भी बता रहे हैं और उनके परिवारजनों ने भी बताया है कि ये विक्षिप्त टाइप का उसका दिमाग ऐसा हो जाता है और उन्होंने ऐसा किया है। तो वाकई में बहुत बड़ी घटना है और मैं पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहती हूँ सरकार की तरफ से कि सरकार हमारी बहुत संवेदनशील सरकार है और सरकार ऐसी घटना में हमेशा साथ में खड़ी हुई है और इसलिए हम लोग उनके बीच में उपस्थित हुए हैं।